मैं आपको मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, ठीक है, उनका जो 20 अप्रैल का जो गाइडलाइन आई है, यानी कि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के रोकथाम के संबंध में, ठीक है, तो जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से क्या क्या है, कौन कौन से निर्देश दे रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहला निर्देश है, समस्त धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन तथा विवाह इत्यादि में अनुमानित व्यक्तियों की संख्या, देखिए पहले 200 थी ना, 100 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। महाकुंभ, अब आगे क्या लिखा है देखिए, पढ़ लीजिए हैं, महाकुंभ, महाकुंभ मेला हरिद्वार, गृह मंत्रालय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश, SOP दिनांक 22 जनवरी 2021 एवं राज्य सरकार द्वारा 26 फरवरी 2021 को में यथावत रहेगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, आगे देखते हैं। आगे क्या है, सार्वजनिक वाहन में 50% यात्री की क्षमता, यानी कि बस, विक्रम, ऑटो जो भी है उसमें 50% लोग बैठेंगे और 50% सीटें खाली रहेंगी, ठीक है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, समस्त सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट में 50% में, ठीक है, सिनेमा हॉल हो चाहे रेस्टोरेंट हो, वो 50% सीटें खाली रहेंगी और 50% सीटें भरी रहेंगी। देखिए यहाँ पर पूरे की तरह तरह पूरा बंद कर दिया गया है, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा पूर्णता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्लाउड, जो क्राउड होता है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो इस वजह से इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए। आगे क्या है, राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों के तहत राज्य व्यवस्थित समस्त सरकारी शिक्षण गवर्नमेंट, ठीक है, संस्थान, प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या होगा, बंद रहेंगे, ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन चलेगा, ठीक है। तो यानी कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, बता दिया मैंने कौन कौन से, प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सब क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, देखिए इसमें ये जो शायद वो सबसे बड़ा है, इसी का लिए बहुत सारे विवाद भी हो रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि जो शहरी क्षेत्र है हमारे, ठीक है, जैसे कि हल्द्वानी, किच्छा और नैनीताल, अलग अलग जगह हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या है, सेवा प्रदाता संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा दोपहर, क्या लिखा हुआ है देखिए, दोपहर 2 बजे से बंद किए जाएंगे, ठीक है, 2 बजे से बंद किए जाएंगे, ठीक है, दो पहले क्या था, पहले 7 बजे तक था, अब 2 बजे कर दिया गया है। अब आगे क्या पढ़ लीजिए, आगे क्या है, संपूर्ण रविवार को पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा, जैसे इस बार संडे को लगा था ना पूरा कर्फ्यू था, ठीक है, तो वैसे ही प्रत्येक रविवार को लगेगा, ठीक है, और 6 दिन क्या चलेंगे, चलेंगे 6 दिन, क्या होगा, व्यापार चलेगा, लेकिन 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, जो पहले 9 से था ना, 9-10 बजे से था सुबह के 5 बजे तक, अब 7 बजे से कर्फ्यू कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको वही जो पहले लॉकडाउन में था ना वैसे ही रहना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ को छूट दी जा रही है, क्यों, क्योंकि आवश्यक सेवाएं भी करनी है, तो उनमें क्या है, देखिए औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों, यानी कि जो शिफ्ट में काम करते हैं, ठीक है, उनका आवागमन होगा। फिर क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग आपातकालीन परिचालन, यानी कि इमरजेंसी में कोई जा रहा हो तो उसको छूट है। तीसरा क्या है, मालवाहक वाहनों की यात्रा, उतार चढ़ाव में कार्यरत व्यक्ति, यानी कि जो हमें देखें, हम जैसे सौदा उदा लेते हैं, वो रहते हैं, वो सब सामान जो आता है बाहर से, ठीक है, तो उनमें जो चढ़ाने वाले व्यक्ति हैं वो उनकी छूट मिलेगी, बस, ट्रेनों, हवाई जहाज़ों से बाद में गंतव्य जाने के लिए, यानी कि हवाई जहाज से जो जा रहा है, मान लीजिए जैसा भी ग्राफिक एरा का करा गया है ना, कि उन्होंने अपने जो स्टूडेंट थे उनको हवाई सुविधा दी गई, तो वो जो बच्चे जा रहे हैं तो उनको नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनकी क्या है, फ्लाइट है, वहाँ से वो अपने घर जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, शादी से संबंधित समारोह, बैंकट हॉल, समुदाय विवाह समारोह में, मतलब जो क्या है, इसको पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब शादी और संबंधित समारोह के लिए बैंकट हॉल, सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्ति वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय से प्रतिबंधों से छूट की जाएगी, यानी कि जो समय दे रखा है उसी में छूट दी जाएगी, बाकी में नहीं दी जाएगी। आगे पढ़ लेते हैं, राज्यों की सीमा में प्रवेश करने वाला बाहरी व्यक्ति, जैसे कि उत्तराखंड में कौन, उत्तर प्रदेश वाला, उत्तर प्रदेश में कौन, उत्तराखंड वाला, ठीक है, वैसे ये उत्तराखंड का ही है तो उत्तराखंड की बात करते हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली से कोई आ रहा है तो पर्यटकों को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य होगा, कौन से, उत्तराखंड स्मार्ट सिटी पोर्टल, स्मार्ट सिटी जो पोर्टल है उत्तराखंड का, उस पे जाकर आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, जिसके लिए, जिसके 48 घंटे पूर्व तक की निगेटिव रिपोर्ट चाहिए होगी उत्तराखंड में, ठीक है, इसके बिना आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आगे क्या है, उत्तराखंड राज्य के निवासी जो जो राज्य से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं,
जो अन्य राज्यों से, यानी कि उत्तराखंड के हैं, मान लीजिए हमें उत्तराखंड का कोई है, ठीक है, वो क्या कर रहा, बरेली गया और बरेली से फिर वापस आ गया किच्छा उत्तराखंड में, ठीक है, किच्छा मान लीजिए या हल्द्वानी मान लीजिए, तो वहाँ आ गया, तो उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण कराना पड़ेगा, ठीक है, स्मार्ट उत्तराखंड की जो स्मार्ट सिटी पोर्टल है उसमें जाकर आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा कि मैं बरेली जा रहा हूँ, बरेली किस काम से जा रहा हूँ और उसमें वहाँ वापसी भी आ रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वयं क्वारंटाइन, अब देखिए ना, बाहर जा रहे हैं यार, आप बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप मतलब कोई भी या तो उत्तराखंड में आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड के बाहर जा रहे हैं, तो कहीं भी क्वारंटाइन कोरोना हो सकता है उसे, ठीक है, सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, होम क्वारंटाइन खुद से करना पड़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग करानी पड़ेगी, ठीक है, और COVID-19 हेल्प, अगर आपको जरा सा भी लक्षण होता है COVID-19 हेल्पलाइन का संपर्क करेंगे, ये पूरे राइट हैंड है। अब दसवां देखिए, जनपदों में तैनात विभिन्न विभागों को के अधिकारियों कर्मिक पुलिस विभाग को छोड़कर आवश्यक सीधे निदेशालय से स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, यानी कि जनपदों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मिकों के अवकाश सीधे निदेशालय से स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, यानी कि उनके अवकाश पत्र जो निदेशालय से स्वीकृत होते तो वह नहीं किए जाएंगे, समस्त जनपद के जिलाधिकारी ही अवकाश किए जाने के सक्षम होंगे, कौन होंगे, समझ, जनपद के जिलाधिकारी ही उनको सेक्शन करेंगे कि छुट्टी है नहीं है क्या है, ठीक है। अब देखिए, कमजोर व्यक्ति के लिए संरक्षण, यानी कि जो 65 वर्ष से अधिक आयु जो बड़े हैं हमारे, ठीक है, व्यक्तियों, सहरोगता वाले व्यक्ति वाले जो कोमोबिल, ठीक है, वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, 10 वर्ष से कम उम्र, 10 वर्ष से ऊपर नहीं, 10 वर्ष से कम उम्र पर तथा स्वास्थ्य एवं जरूरी कार्यों के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि यार इन लोग जो बड़े हैं हमारे, बुजुर्ग हैं, ठीक है, गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि उनको क्या हो सकता है, स्वास्थ्य की कोई चीज़ सामान लेनी है, कुछ वैसा लेना है, ठीक है, तो वो लोग घर से निकल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी पूरा मास्क रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे पूरा वैसा करके। अब देखिए आगे क्या है, बारवा, कोविड उपयुक्त विवरण, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा करेंगे, राज्य उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों और निवासों, पर्यटकों तथा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर अनिवार्य रूप से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का कड़ा पालन करना होगा, क्योंकि देखिए ना, हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे, और दूसरों को भी कहना है कि आप भी को लगाइए, मास्क लगाइए, वो लगाइए, क्योंकि सभी सुरक्षित होंगे तभी कोरोना कम से कम फैल पाएगा। फिर क्या है, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए SOP दिनांक 22 जनवरी 2021 समय, राज्य सरकार द्वारा जारी गए OP 26 फरवरी 2021 कुंभ मेला जो हरिद्वार में है वो यथावत रहेगा, ठीक है, कुंभ मेला का लिखा गया, क्या कहा गया, यथावत रहेगा, ठीक है, जैसे कुंभ तो हो चुका है, अब देखते हैं आगे क्या है, आगे के SOP में कहा गया है कि उक्त निर्देशालयों के उल्लंघन की स्थिति में, भैया ये देख लीजिए, उल्लंघन अगर हो गया तो कौन कौन सा क्या क्या आपके ऊपर लग सकता है, विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, भारतीय दंड, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, तथा अन्य सुझावों के संदर्भ में कार्यवाही अमल की जाएगी, भैया ये देख लीजिए, तीन तीन लगाया लग जाएंगे आपके ऊपर, इसलिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, उपरोक्त चुनाव आप 21 अप्रैल 2021 से अग्रिम प्रभावी होंगे, कब से प्रभावी है, 21 अप्रैल से प्रभावी है। तो ये हैं हमारे मुख्य सचिव अधिकारी, मुख्य कार्यकारी यानी श्री ओम प्रकाश जी जो हैं, उन्होंने अपनी गाइडलाइन जारी कर रखी है जिसका अनुपालन सारे उत्तराखंड के लोगों को करना होगा, ठीक है। और मेरी आपसे यही निवेदन है कि अपना भी मास्क सैनिटाइज यूज़ करिए और दूसरे को भी कहिए, और जितना हो सके उतना फैलाइए कि ये सूचनाओं को फैलाइए कि भैया सब लोग मास्क लगाओ, वो लगाओ, क्योंकि डेथ का जो आंकड़ा इसमें हो रहा है वो बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है, फेफड़ों में प्रॉब्लम आ जा रही है, बहुत जगह ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, क्योंकि सभी को चाहिए ऑक्सीजन, तो वो कमी है, तो इसलिए पहले से ही सुरक्षित रखिए अपने आप को।